हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं एक मैच कवर करने वाला हूं वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स लीग का, कोरिया वर्सेस लेबनान के बीच, जो कि बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है। एंड इस मैच की फाइनल टीम जो मिलेगी, लाइनअप्स के बाद आपको पोस्ट होगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। तो यही मेरा चैनल है, और आप किसी अनदर चैनल में ना जुड़ जाएं उसके लिए मैंने लिंक नीचे दे रखा है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, वहाँ पर जाकर जुड़ सकते हैं। बात करें, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ, नॉलेजेबल, इन्फॉर्मेटिव है। और गाइस, चलते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो यहाँ पर अगर मैं सीधी सीधी बात बोलूँ अगर आपको नॉर्मली, तो यहाँ पे साउथ कोरिया की जो टीम के फेवर में हम, क्योंकि यहाँ पे लेबनान जो टीम है, ऑलरेडी सेकंड लास्ट मैच हुआ था जिसमें कि कोरिया ने इनको हरा दिया था। क्लीन शीट से तो नहीं हराया, ओपोनेंट टीम ने भी गोल किया था एक, मतलब इन्होंने भी एक गोल किया था, लेकिन कोरिया टीम वॉन कर गई थी, क्योंकि उनके पास स्ट्राइकिंग अच्छी है, स्ट्राइक बहुत अच्छी है इस टीम के पास। बात करें गोल कीपर की, मैतर को लूँगा। मुस्तफ़ा मैतर इज़ एन एवरेज प्लेयर, और वो एवरेज इसलिए है क्योंकि मैंने आपको जैसे कि बताना चाहा कि ये जो प्लेयर है, ये गोल कीपिंग साइड इसकी एवरेज है। सेकंड बात ये, क्योंकि ये पेनल्टी सेविंग रेशियो ठीक रखता है, लेकिन पेनल्टी सेविंग रेशियो इतना खास नहीं है। तो आगे से बात करूँ डिफेंडर की, यहाँ से लूँगा के योंग गवान को। तो पिछले मैच के अंदर इराक के खिलाफ ज़बरदस्त क्लीन शीट के साथ इसने अपनी टीम ने वापसी की। बस एक बात है कि पिछले मैच में हमारा वाइस कैप्टन नहीं चला था, वो ऑलमोस्ट इसलिए नहीं चला क्योंकि वो सब्स्टिट्यूट जल्दी हो गया, और सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने चार डिफेंडर लिए हैं। एच चुल की बात करूं तो ये वाइस कैप्टन की अच्छी पिक है, दोनों बहुत अच्छी पिक्स हैं, एक चुल और एक के योंग गवान, क्योंकि अगर आप भी भरोसा रखते हो ना अपने ऊपर कि हाँ भाई क्लीन शीट लगेगी, तो आप इनके साथ जरूर जाएंगे। के मिन जय की बात करूं तो किम मिन जय को भले ही पिछले मैच में क्लीन शीट लगी, लेकिन एक्चुअली वो क्या हुआ, ड्रीम टीम में नाम आया नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम पॉइंट्स रीच नहीं कर पाया, इससे ज़्यादा पॉइंट तो किसी भी मिडफील्डर तक ने दे दिए थे। के मून हवान की बात करें तो यहाँ से लूँगा मून हवान को, ये तो बढ़िया प्लेयर है, ऑलवेज इट्स अ गुड प्लेयर, क्योंकि फोर्थ डिफेंडर है और फोर्थ डिफेंडर को मैं नहीं छोड़ता कभी भी। आगे से बात करें मिडफील्डर की, एम हैदर को लूँगा। तो यहाँ पे मोहम्मद हैदर इज़ एन एवरेज प्लेयर, और दूसरी बात मैं इस प्लेयर को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एलीबी की स्ट्राइक मिडफील्डिंग इतनी खास है नहीं, तो फिर भी एक दो जो प्लेयर मैंने लेने हैं मैं चाहता हूँ कि मैं कॉमन लूँ। एच इन ब्योम की बात करूँ तो प्रीवियस मैच में अपना पहला मैच कोरिया की तरफ से जो खेला था उसके अंदर दो एक शॉट ऑन टारगेट लगाया, गोल करने की कोशिश की थी, जिसमें कि दो बार बेचारे ने चांस भी क्रिएट किए, लेकिन पासिस जो ये कंप्लीट कर गया ना वो अलग हाईलाइट हो गया, मतलब 84 पास कंप्लीट करना वो भी एक मिडफील्डर द्वारा बहुत बड़ी बात है भाई, सीधी बात है। एन मैथर की बात करूँ तो नादर मैथर को लूँगा, इसकी जगह चाहो तो नीचे से अनदर प्लेयर ट्राई कर सकते हो, बट कौन सा अनदर करोगे यही सोचना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं एन मैथर के साथ जा रहा हूँ। आगे से बात करें स्ट्राइकर की, एच मियंग सन द ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल द टाइम, और आपको पता है कि प्रीमियर लीग में भी इस बंदे का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा अच्छा है, और साथ ही साथ कोरिया के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया जो एक स्ट्राइकर है वो यही इकलौता प्लेयर है। पिछले मैच के अंदर एच ही चन नहीं खेला था, जिसकी जगह वापसी कराई इन्होंने एच उई जू को। पिछले मैच के अंदर इराक के खिलाफ इस प्लेयर ने तीन बार गोल करने की कोशिश की थी, जिसमें ये तीनों बार गोल नहीं कर पाया। आप देख सकते हैं मैं झूठ नहीं बोल रहा, तीन बार शॉट ऑन टारगेट इसने लगाया था बट गोल हुआ नहीं, अगर हो जाता तो शायद हमारा वाइस कैप्टन था उस मैच में और कुछ कर देता, लेकिन मैं आज फिर भरोसा करूँगा क्योंकि मैं एक बार भरोसा करता ज़रूर हूँ दोबारा। आगे से बात करें नेक्स्ट प्लेयर की, सोनी साध को। सोनी साध एक बढ़िया प्लेयर है, सिलेक्शन कम है, लोग इसकी जगह ट्राई करेंगे, ऊपर से प्लेयर इसका नाम है हसन मैतोक। मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जो एस सात प्लेयर है ये कई बार पेनल्टी लेता दिखा है, दूसरी बात ये ऑलरेडी कोरिया को गोल मार चुका है सेकंड लास्ट मैच में, तीसरी बात ये हाईएस्ट गोल लेबनान की टीम में से जिसने किए हैं वो एस सात ही है। आगे से बात करूँ कैप्टन की, एच मिन सन वॉज माई कैप्टन, वाइस कैप्टन है एच उई जो। वाइस कैप्टन और किसी को रखना है तो सिर्फ डिफेंडिंग में से रखना, मिडफील्डिंग में से नहीं। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय गाइज़।